हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वीडियो में। ये देखिए नोटिस आया था 4 जुलाई को, 4 जुलाई 2024 को ये जो है नोटिस आया है आयोग की वेबसाइट पर, UPSC आयोग की वेबसाइट पर जो है नोटिस आया था। तो आप सभी के लिए जो है आप ऐसा सूचना है, इसमें लिखा हुआ है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है आयोग के विज्ञापन संख्या 5 परीक्षा 2019 वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक, फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड सामान्य चयन प्रतियोगात्मक परीक्षा 2019 के अंतर्गत कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभाग अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ढकलऊ के नियंत्रणाधीन वन रक्षक एवं वन्य जीव रक्षक के कुल 655 पदों पर, टोटल पर इसमें जो है 655 पद हैं, 655 पदों पर चयन हेतु शारीरिक मानक परीक्षा एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के उपरांत चिकित्सा परीक्षा हेतु सफल 3398 अभ्यर्थी, सफल 3398 अभ्यर्थियों का परिणाम आयोग की आवश्यक सूचना संख्या दिनांक 31 जुलाई 2023 द्वारा अनुमोदित प्रकाशित किया गया था। तो 3398 जो है परीक्षा अभ्यर्थी जो है सफल हुए थे PST NPET में। तो इनका जो है मेडिकल हुआ था 3398 अभ्यर्थियों का। इसमें लिखा हुआ है आयोग की आवश्यक सूचना संख्या दिनांक 27 जून 2024 द्वारा चिकित्सा परीक्षा के बाद या चिकित्सा परीक्षा के उपरांत DB परीक्षण हेतु अर्य औबंधिक रूप से अर्य 2950 अभ्यर्थी जो है पास हुए थे चिकित्सा परीक्षा में। 3398 अभ्यर्थियों में से 2950 अभ्यर्थी जो है पास हुए थे मेडिकल में। तो इनको जो है DB के लिए मतलब बुलाया गया है, 2950 अभ्यर्थियों का DB होना है। तो इसमें लिखा हुआ है आगे अर्थात अगले परीक्षण हेतु अर्य औबंधिक रूप से अर्य उक्त 2950 अभ्यर्थियों द्वारा अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनका DB परीक्षण उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग तृतीय तल पिकअप भवन विभूतिखंड गोपतिरा लखनऊ स्थित कार्यालय में निम्नलिखित कार्यक्रम अनुसार आयोजित किया जाना निर्धारित है। तो इनका जो है DB होना है, DB जो है ये मतलब एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ पर DB होना है, उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग तृतीय तल पिकअप भवन विभूतिखंड गोमती नगर लखनऊ में जो है DB होना है। तो ये जो है DB कार्यक्रम दिया हुआ है आप सभी का, 11 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक जो है DB चलेगा। पाली एक मैं पूर्वना 10 बजे से जो है अभ्यर्थी की संख्या जो है प्रत्येक पाली में 125 अभ्यर्थी हैं, दूसरे पाली में भी 125 अभ्यर्थी हैं, टोटल जो है इसमें 250 अभ्यर्थियों को DB होना है एक दिन में। प्रत्येक पाली में जो है 125 अभ्यर्थी हैं, दूसरी पाली जो है 1:30 बजे से होगी, पहली पाली जो है सुबह 10 बजे से स्टार्ट होगी। टोटल जो है 2950 अभ्यर्थियों को जो है DB होना है इसमें। इसमें लिखा हुआ है 75 प्लस अनुपस्थित अभ्यर्थी मतलब जो उपस्थित नहीं हो पाए थे मतलब उनका DB होगा 26 जुलाई को। और आगे लिखा हुआ है इसमें, आगे इसमें लिखा हुआ है अर्थात अगले परीक्षण हेतु अहर पाए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनके DB लेटर या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर व अन्य 4 प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। संबंधित अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट UPSC.gov.in पर उपलब्ध लिंक पर क्लिक कर वांछित प्रविष्टि अंकित करते हुए अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर व 4 प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सभी लोग जो है अपने DB लेटर डाउनलोड कर लीजिए और उसके संग जो है 4 प्रपत्र होते हैं उन्हें भी डाउनलोड कर लीजिए, उनका जो है प्रिंट निकलवा लीजिए आप सभी लोग। और आगे लिखा हुआ है इसमें अर्थात अगले परीक्षण हेतु हर पाएगा समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि अर्थात या अभिलेख परीक्षण से पहले पूर्व उन्हें समस्त शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों एवं आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों या अभिलेखों का मूल प्रमाण पत्रों या अभिलेखों से मिलान व गहनता से परीक्षण किया जाएगा। तो इनका जो है गहनता से परीक्षण किया जाएगा आप सभी का। आगे लिखा हुआ है अर्थात अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने अभ्यर्थी समस्त अपने शैक्षिक अभिलेखों के अंक पत्र व प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र व आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रमाण पत्र की मूल प्रतियां मतलब मूल प्रति ले जाएं और उनकी छाया प्रतियां ले जाएं मतलब फोटो कॉपी ले जाएं तथा पासपोर्ट साइज के 2 रंगीन फोटोग्राफ के साथ ही डाउनलोड किए गए DB लेटर व 4 प्रपत्रों को मुद्रित प्रतियों में वांछित प्रविष्टि अंकित कर निर्धारित तिथि व समर्थन समय पर DB हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो आप सभी लोग जो है सभी प्रपत्र ले जाएं और DB लेटर ले जाएं व 4 अन्य प्रपत्र ले जाएं उनके संग, सभी डॉक्यूमेंट ले जाएं आप सभी लोग।
अभ्यर्थियों को यह भी आगे लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि डीवी परीक्षण हेतु फोटोयुक्त पहचान पत्र मतलब आधार कार्ड इत्यादि की मूल प्रति एवं छाया प्रति अवश्य लेकर उपस्थित हों, मतलब आधार कार्ड इत्यादि की फोटो कॉपी ले जाएँ और मूल प्रति ले जाएँ। आगे लिखा हुआ है अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि यदि किसी उचित कारण से यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को डीवी या अर्थात या अभिलेख परीक्षण हेतु अनुपस्थित रहता है तथा इसकी जानकारी लिखित रूप में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 26 जुलाई 2024 को पूर्वना सुबह ग्यारह बजे तक आयोग कार्यालय में दी जाती है तो सचम स्तर से अनुमति के उपरांत उसे 26 जुलाई 2024 की द्वितीय पाली का भी 1:30 बजे से है, द्वितीय पाली 1:30 बजे में अर्थात या मतलब डीवी परीक्षण हेतु उपस्थित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। अगर मतलब लिखित रूप में वो सूचना दे देता है अभ्यर्थी जो अनुपस्थित होता है अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को, अगर अभ्यर्थी सूचना दे देता है मतलब 26 जुलाई 2024 को पूर्वना 11 बजे तक आयोग कार्यालय में सूचना दे देता है लिखित रूप में, तो इसका डीवी जो है 26 जुलाई 2024 को द्वितीय पाली में आयोजित किया जाएगा। तो इसके अतिरिक्त अर्थात या अभिलेख परीक्षण हेतु कोई अन्य अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, तो उसे जो है इसके अतिरिक्त कोई अन्य अवसर जो है प्रदान नहीं किया जाएगा। मैंने जो है आप सभी को अवसर सूचना दे दी है, आप सभी के लिए जो है अवसर सूचना थी मैंने बता दिया है, आप सभी का जो है डीवी होना है, टोटल जो है 2950 अभ्यर्थियों को जो है डीवी होना है 11 जुलाई से जो है लेकर 26 जुलाई तक जो है आप सभी का डीवी चलेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।